हेलो, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। आपके साथ एक बार फिर मैं हित अभिलाषी शर्मा आपके साथ एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट, एक नए इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपने जैसे पहले ही मेरी वीडियोस को देखा, अगर फिर से देखना चाहते हो मेरे चैनल जानकारी हित पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को ज्वाइन करते हैं। अकाउंटेंसी का एक और कॉन्टेंट, कौन सा कॉन्टेंट है? लेट्स मूव अहेड विद मी, आओ कुछ नया जाने। हेलो, टुडे इज इन द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नल। वी नो दैट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज द जर्नल। वी आर गोइंग टू डू द एंट्रीज रिलेटिंग टुवर्ड्स कैपिटल ड्राइंग्स एंड मेनी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। मतलब हम सीखेंगे भाई, आज फिर जो मैंने पार्ट ए था उसमें आपको डिटेल में बताया गया कि जर्नल एंट्रीज कैसे एंटर की जाती हैं, कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं और जर्नल क्या है। और पार्ट बी में यही जानकारी हित पे आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि कैपिटल और ड्राइंग्स के रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और जो बिजनेस में बहुत सी कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो वो देखते हैं इसके बारे में कि ये रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं जर्नल में। यस, अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप पार्ट एक को देख सकते हो। जर्नल क्या है, वी ऑल ऑफ नो दैट द फ्रेंच वर्ड जोर विच मीन्स अ डे, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जिसमें हम प्रतिदिन की जो रिकॉर्डिंग है वो करते जाते हैं। बिजनेस में जितनी ट्रांजेक्शन हुई, रोज हुई, हर रोज डेट वाइज उसमें रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। डिटेल में आप मेरी जो लास्ट वीडियो है पार्ट ए उसको देख सकते हो। अब इसका फॉर्मेट भी हम जान चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया था। मेनली इसकी जो सिक्स जो कॉन्सेप्ट है हमें उसे ध्यान में रखना होगा। छह बातें कौन कौन सी हैं, डेट, पर्टिकुलर और डिटेल, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और नरेशन। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, और ऊपर उस फर्म का नाम, उस बिजनेस कंपनी का नाम जिसकी भी हम जर्नल में एंट्रीज कर रहे हैं। तो आज से जो आज इस वीडियो में जो नया कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उससे पहले जब भी जर्नलाइज करने लगे, ऑलवेज कीप इंटैक्ट योर विजन एंड योर माइंड ऑन दीज थिंग्स। हम सभी जानते हैं कि जब जर्नल करते हैं तो उसके दो ढंग हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचें जिसमें हमने की थी कि हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में बताया था आपको पिछली और उससे भी पहले की जो मेरी वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग, के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में हम करते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल में सारे जो एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको डेबिट करते हैं उन अकाउंट को, और जो इनकम और गेंस हैं बिजनेस की उन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। या तो जब जर्नलाइज करें इस ढंग से सोचना होता है, या दूसरा ढंग क्या है जो इक्वेशन सिस्टम के बेस पे हमने बताया कि आपको पांच टाइप के अकाउंट हैं, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ये पांचों को मैंने इकट्ठा करके अपनी पिछली वीडियोस में बनाया। लेकिन जब हम जर्नलाइज कर रहे हैं तो हमें इन पांचों को दो हिस्सों में बांट दिया भाई, कि तीन का जो बिहेवियर है ऑलमोस्ट सेम और दो का बिहेवियर सेम। जैसे ये तीन है, लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। मेरे लेक्चरर थे हमें पढ़ाने वाले, उसे LIC कहते थे। यस, पर ये वो LIC नहीं है। लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल क्या चीज है इसके बारे में ध्यान रखना होगा। ये तीनों, अगर तीनों माइनस का मतलब क्या है मैंने ये बताया, माइनस मीन्स डिक्रीज, अगर तीनों में कहीं ये डिक्रीज होती है, ये तीनों की तीनों, तो माइनस का मतलब ये तीनों डिक्रीज हो रही है, तो हम इन तीनों से रिलेटेड अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। और प्लस मींस इंक्रीज, अगर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल में से कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, हमें मिल रहा है, हमारी उसमें बिजनेस के जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसका बैलेंस बढ़ रहा है, प्लस मींस, तो हम इन तीनों के अकाउंट को, इन तीनों से रिलेटेड जो अकाउंट है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट।
ये तीनों का हिसाब किताब एक जैसा। दूसरी तरफ और अभी आप बात करते हैं ये दो कौन कौन से हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट जब हमने सोचना है तो सेम बिहेव करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस प्लस मीन जब ये बढ़ रहे हैं बिजनेस में हो रहे हैं, इनकी वैल्यू बढ़ रही है, उसके अमाउंट में प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इन तीनों से दोनों से रिलेटेड जो अकाउंट है किसी भी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर उसमें किस तरह की कमी आ रही है तो हम इन दोनों से रिलेटेड जितने भी अकाउंट आएंगे उन अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो ऑलवेज कीप इंटैक्ट योर विजन, तो अपनी आंखें और दिमाग लगा के रखो इन दोनों पे। लेट्स मूव अहेड, अब बढ़ते हैं जर्नल की तरफ। यस, द मेजर पार्ट ऑफ टूडेज टॉपिक इज द जर्नल एंट्री ऑफ कैपिटल। कैपिटल से शुरू करते हैं, ड्राइंग की बाद में करेंगे। हम ऐसे करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, उससे समझना आसान होगा। ऑन June 1st, 2020 क्या हुआ, क्या है इसमें, ध्यान से देखें। सुरेंद्र एंड सन्स जो ओनर हैं बिजनेस के, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,000। बिजनेस शुरू किया सुरेंद्र एंड सन्स के नाम से। सुरेंद्र बिजनेस में क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, दो ढंग से लेके आया, कैश और प्लांट एंड मशीनरी की 3,000 की वैल्यू के साथ। वट एवर द अमाउंट और वर्थ ब्रॉट इन इन अ बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस और टू एक्सपेंड द बिजनेस, दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। हम जानते हैं जितना पैसा, जितनी वैल्यू की, चाहे वो कैश है, एसेट्स हैं या गुड्स बिजनेस में लगाई जाती हैं, दैट इज कैपिटल। तो सबसे पहले एक पार्ट देखते हैं, वो कैश लेकर आया। हमें देखना है कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए। अगर वो कैश बिजनेस में लेके आता है, जो फर्स्ट हमने करना होता है उसका एनालिसिस, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। दूसरा है कैपिटल, जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो क्या हुआ, कैश को अगर देखें, कैश क्या है हमें पता है, रियल अकाउंट है कैश। कैश रियल है तो नेचुरली रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। दूसरा है सुरेंद्र's कैपिटल। सुरेंद्र की कैपिटल अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो पर्सनल अकाउंट है, सुरेंद्र गिवर है, तो सुरेंद्र की जो कैपिटल है तो उसको कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे भी, क्रेडिट। दूसरा ढंग सोचने का हो सकता है जो इक्वेशन सिस्टम मेथड है, जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड है कैपिटल, बिजनेस की लाइबिलिटी है। हमें पता है जब कोई बिजनेस मैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो भी कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसी भी ढंग से सोचो, एक ही बात है। सो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा है प्लांट एंड मशीनरी भी तो लेके आया है, वो 3,000 की, तो हमें पता है इस बार कैश नहीं आया, अगर इसको देखे तो प्लांट एंड मशीनरी आई। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इट, हमें पता है वो भी आ रही है बिजनेस में, तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल का ट्रीटमेंट मैंने बताया, जितनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल, उसको भी हमने बिजनेस की पूंजी माना, भी कैपिटल माना। तो नरेशन हमें पता है, बींग कैश ब्रॉट इन बिजनेस, बींग मशीनरी ब्रॉट इन बिजनेस बाय द ऑनर। ओके, ये है कैपिटल के। अगर हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं भाई, जबकि वो सेम रेट के, तो हम इनको कंबाइंड डील भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, हमें पता है हमने अभी जो पीछे ट्रांजेक्शन मैंने देखी लास्ट साइड पे, कैश अकाउंट हमने डेबिट किया था, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट की थी, उन दोनों को इकट्ठे एक ही ट्रांजेक्शन में दिखा के कैपिटल, क्योंकि 8 + 3 = 11,000 बनी, तो कैपिटल दो बार ही लिखने की जगह, क्योंकि एक ही अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है 11,000 के साथ, कैपिटल को दोनों ट्रांजेक्शन के इफेक्ट के कारण क्रेडिट किया गया, तो सीधा 11,000 से हमने क्रेडिट कर दिया, और नरेशन को भी कंबाइंड बना दिया, बीइंग कैश एंड प्लांट एंड मशीनरी ब्राउट इन बिजनेस, दैट इज नॉट अबाउट ब्राउट इन बिजनेस, लेके आए हैं अभी बिजनेस में वो। तो एक और हो सकता है, मान लो गुड्स लेके आते तो हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुड्स और परचेज यस अकाउंट डेबिट, बिजनेस में स्टॉक आ गया था, तो तीनों का जो सम होता वो कैपिटल होती। ये बात जब भी हमने, अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। जैसे बिजनेस में कैपिटल बिजनेसमैन कैश के रूप में, किसी एसेट के रूप में, गुड्स के रूप में ला सकता है, ऐसे ही हमें ध्यान रखना होगा बिजनेसमैन ड्राइंग्स मींस क्या होता है,
ड्राइंग मीन्स होता है एनी अमाउंट, ये देखो ध्यान से भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनी अमाउंट और वर्थ, वर्थ होती है उसकी वैल्यू, टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर, ओनर होता है बिजनेस का मालिक, प्रोप्राइटर, इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल तो है पर हम उसको क्या कहते हैं, नॉन एज ड्राइंग्स, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ये ध्यान रखो। इट विल ऑलवेज रिड्यूस कैपिटल, जितनी ज्यादा ड्राइंग्स होंगी, ड्राइंग्स मीन्स विड्रा करना, बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रा कर लिया, जब पैसा लगाया तो कैपिटल, अब पैसा निकाल लिया, जितना भी निकालेगा तो कैपिटल नेचुरली रिड्यूस होगी, रिड्यूस मीन्स कम होगी कैपिटल। अब हमें इसको अगर ट्रांजेक्शन वाइज देखें, जनरल में इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये ट्रांजेक्शन होती है, मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, सुरेंद्र बिजनेसमैन है ना, हमें पता है हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है, सुरेंद्र हैज टेकन ₹100 फॉर हिज सन फीस, उसके बेटे की फीस देनी थी भी उसने बिजनेस में निकाल ली और दे दी, हुआ क्या फिर, पहले हमने देखना है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, सबसे पहले यही तो, इसी को तो हम एनालिसाइज कहते हैं, विश्लेषण करना, अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, एक तो हुआ ड्राइंग्स अकाउंट, मैंने एक देश की ट्रांजेक्शन देख रहा था, वहां पे वो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, बात एक ही है ये ध्यान रखना, क्योंकि जो हम ड्राइंग्स अकाउंट है वो बाद में कैपिटल को ही इफेक्ट करता है, ये हम जब 6 महीने बाद प्लस वन में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से कम हो जाता है, तो क्यों ना सीधे ही कैपिटल को यही कम कर दो, उनका भी ठीक है, भी रास्ता, वो भी है एक रास्ता। हम जो कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ बुक्स चल रही हैं उसमें कैपिटल को डेबिट करने की जगह ड्राइंग्स अकाउंट लिया गया, बाद में ड्राइंग्स को कैपिटल में ट्रांसफर किया, कैसे करते हैं वो ट्रांसफर करना हम जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट तब सीखेंगे। तो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट के कारण क्या हुआ, कैपिटल डिक्रीज होगी, हमें पता है जब कैपिटल इंक्रीज होती है, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो क्योंकि जो ड्राइंग्स है, जो उसका ओनर है वो रिसीवर है, उसको प्राप्त करने वाला, पर्सनल अकाउंट हो गया एक तरह से, जो ड्राइंग्स है ये बिजनेसमैन का अकाउंट हो गया, वहां पे जो बिजनेसमैन है, जो उसका ओनर है, वो एक तरह से रिसीवर है, तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। जब उसने पैसा लगाया तब ओनर के पर्सनल अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली जानते हैं, जब उसने पैसा विड्रा किया बिजनेस में ड्राइंग्स के रूप में तब भी वो पर्सनल अकाउंट है, तब वो गिवर था, जब पैसा इन्वेस्ट करता है एज ए कैपिटल, जब पैसा निकाल रहा है तो वो क्या है, रिसीवर, रिसीवर के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं तभी कह रहा था, अगर हम कहें कि कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तब भी उसको डेबिट करेंगे, अगर हम कहें ड्राइंग्स मींस उसका ओनर पैसा रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, तब भी उसको डेबिट करेंगे। तभी तो मैं कहता हूं दोनों में से किसी ढंग से सोच सकते हो, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से सोच लो, या कौन सी इक्वेशन सिस्टम बेस्ड अप्रोच, जिसमें 5 तरह के अकाउंट हमने किए। दूसरा जो भी, जिस पे इफेक्ट पड़ा, कैश, क्योंकि बिजनेस, जब उसने बेटे की फीस दी तो कैश तो गया बिजनेस से, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, कैश गोइंग आउट, बाहर जा रहा है, या कैश बाहर जा रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, या जो मैं दूसरा ढंग कह रहा था, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, या हम कह सकते हैं क्योंकि कैश एसेट है, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जब एसेट डिक्रीज होती है तब भी तो क्रेडिट करते हैं, तो या किसी भी ढंग से सोच लो भाई, हम कैश को रियल अकाउंट मान रहे हैं, जैसे मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहा हूँ, अब ध्यान रखना, कैश रियल अकाउंट है, गोइंग आउट बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे कैश को, एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड, सुरेंदर हैज टेकन अ पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यू 500 फॉर यूज एट होम, ये भाई क्या किया उसने, बिजनेस की मशीन घर ले गया अपने उठा के यूज करने के लिए, वापिस देता ही नहीं होगा, तो ये भी तो ड्राइंग होगी, जैसे पैसा गया था बेटे की फीस के, ये मशीनरी ले गया तो ये भी ड्राइंग है। अब ध्यान रखो वहां पे कैश पे इफेक्ट पड़ा था, सेम इफेक्ट अब प्लांट एंड मशीनरी पे पड़ेगा, तो ध्यान क्या हो, ड्राइंग का इंपैक्ट तो सेम हो गया जो मैंने यहां पे बताया, ड्राइंग के कारण ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ड्राइंग का जो ओनर है वो कौन है, उसका प्रोप्राइटर बिजनेस का, वो रिसीवर है मशीनरी की वैल्यू का, तो उसके अकाउंट को हम ड्राइंग्स को, या उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, ये तो सेम ट्रीटमेंट हो गया क्योंकि
ट्रांजेक्शन सेम है, हम ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। दूसरा मशीनरी आ जाओ, मशीनरी क्या है भी, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि मशीनरी जा रही है तो मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया था, यहां हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कर देंगे। फर्क क्या पड़ा, यहां वो कैश लेके गया था, यहां प्लांट एंड मशीनरी। थर्ड वन, वो ऐसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं वो कैश और मशीनरी लेके जाए। सुरेंद्र हैज टेकन गुड्स वर्थ रुपीज 1000 फॉर होमली यूज। भाई पैसों पे मत जाओ, ये तो अमाउंट बदलते रहेंगे, नाम भी बदलते रहेंगे, कंटेंट के सीखो के पर्सन है एक, बस बिजनेस का ओनर है वो, नाम कोई भी हो हम वो कोई भी भर सकते हैं। तो गुड्स वर्थ 1000 फॉर होमली यूज, वो वस्तुएं ले गया, ये नई ट्रांजेक्शन है, ध्यान से सोचना। ड्राइंग तो है ही, बिजनेस पर्सनल, बिजनेस मैन है जो पर्सनल यूज के लिए गया, ड्राइंग्स अगेन। सो एज इन द अबव केस, जैसे हमने यहां पे ट्रीट किया वो तो सेम ही है, ड्राइंग्स अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट वही 1000 के साथ। तो क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि वो गुड्स ले गया, जैसे प्लांट एंड मशीनरी गई थी ऐसे गुड्स गई बिजनेस में से। तो आपको पता होगा भाई, मैंने पहले भी बताया, ध्यान से सुनो मेरी बात, गुड्स क्या होती हैं, जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, जिसका वो व्यापार करता है। जब गुड्स आती हैं तो वो परचेज होता है, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये मैंने स्पेसिफिकली बताया भी है आपको, मेरी पिछली वीडियोस देखना, आज भी बता रहा हूं। कारण क्या है, गुड्स को हमें दो हिस्सों में बांटकर चलना पड़ता है ताकि बिजनेस की परचेज और सेल का पता चल सके। परचेज और सेल होती गुड्स की है, जब बिजनेस गुड्स को लेकर आता है तो उसे परचेज कहते हैं, जब वो बेच देता है उसको सेल कहते हैं, गुड्स के दो पार्ट हो गए फिर। अब यहाँ क्या हुआ, सेल तो हुई नहीं क्योंकि वो गुड्स ऐसी ले गया घर, तो उसकी जो परचेज थी वो कम होगी, परचेज हमेशा डेबिट होती है। दूसरा, गुड्स अगर हम स्टॉक मानकर चलें तो बिजनेस से बाहर जा रहा है एज ए रियल अकाउंट, तो क्या हुआ, जब रियल अकाउंट में कोई चीज बाहर जाती है तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सिमिलरली यहां पर हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। परचेज डेबिट होती है जब वस्तुएं आती हैं, लेकिन परचेज की गई गुड्स में से वो कुछ वस्तुएं घर ले गया एज अ ड्राइंग्स, तो परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। समझ आया, कंफ्यूज मत हो। ये मैंने आपको बताया कि वो जो ड्राइंग्स है वो किसी भी रूप में ले जा सकता है, ड्राइंग्स अकाउंट में तो डेबिट ही होना है। अगर वो कैश लेके जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लेके गया तो प्लांट एंड मशीनरी को, गुड्स को लेके गया तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्योंकि भी मान लो ये तीनों की तीनों एक ही एंट्री होती, तीनों कंबाइंड होती, सुरेंद्र हैज पेड रुपीज 100 फॉर हिज सन्स फीस, टेकन अ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 500 एट होम एंड गुड्स 1000 फॉर होमली यूज, एक ही जगह पे। अब एक ही तो है भाई, ध्यान से सोचो, 3 जून को तो हो रही है सारी एंट्री, अगर हम तीन एंट्रीज नहीं डाल लें तो मैंने पिछली एंट्री में बताया, तो हम तीनों एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तीन अकाउंट में देखो ध्यान से, डेबिट कौन कौन सा है तीनों एंट्रीज में, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट, तो ड्राइंग 200, 500, 1000, 1700 के साथ ड्राइंग्स क्या होगी, डेबिट। कैश क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट, परचेज क्रेडिट, तो इतने के साथ क्रेडिट कर सकते हैं। तो हम ऐसी कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो एंट्री ऐसे भी हो सकती थी, जैसे मैंने बताया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अगर कोई कैश होता, अगर परचेज होती तो परचेज, प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट एंड मशीनरी, अगर तीनों हैं तो ये एंट्री बन गई कंपाउंड एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू परचेज अकाउंट, ये है कंपाउंड एंट्री। ध्यान से देखो, तीन अकाउंट क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट, बट जादू, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, यही तो डबल एंट्री सिस्टम है भाई, यही तो कमाल है, तभी तो हम मैथमेटिकली एक्यूरेसी चेक करते हैं। नरेशन का बात ध्यान रखना, नरेशन में आपका मतलब क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे आज का जो पार्ट है उसका, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब हम कैश मीन, जब पैसा आए या जाए वो कैश ट्रांजेक्शन पैसा, जब क्रेडिट मतलब उधार लेते हैं तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे अब देखते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन करते कैसे, गुड्स वर्थ रुपीज 5000 परचेस्ड। अब आपको ये बात सीखनी होगी, अब हमें नहीं पता भी ये ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट। ये क्या होता है, अगर किसी
व्यक्ति का जिसने हमारे कस्टमर का सप्लायर है, जो हमारा हमने उससे परचेज की है, सप्लायर ने जिसने हमें बेची उसका नाम नहीं दिया। तो वन थिंग शुड बी क्लियर, इट इज ऑलवेज कैश ट्रांजेक्शन। अगर नाम नहीं दिया सप्लायर का तो ये हर हाल में कैश ट्रांजेक्शन है। ये मैंने यहां पे मेंशन किया, ध्यान से देखो इसको, आपको फिर काम आ सकता है। क्या कहा था मैंने, इफ नेम ऑफ सप्लायर इजंट गिवन देन इट इज कैश ट्रांजेक्शन। इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। मान लो गुड्स रुपीज 5000 फ्रॉम मोहन, अब नाम दे दिया भाई, जब नाम दे दिया और ये बताया नहीं कि कैश या क्रेडिट है, तो इसको हम ध्यान रखना कैश नहीं मानेंगे, इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। और जब नाम भी दिया और कह दिया कि विद कैश, जैसे यहां दे रखा है गुड्स ऑफ रुपीज 5000 फ्रॉम मोहन विद कैश, मींस क्या है, ये सारी परचेज की है। यहां पे मैंने परचेज शब्द, यस गुड्स ऑफ रुपीज 5000 परचेज्ड फ्रॉम मोहन विद कैश, मोहन से परचेज कर लिया अभी। तो ध्यान से रखो, कैश दे दिया, नाम भी लिख दिया, तो हम इसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। जब सप्लायर का नाम नहीं दिया तो वो क्रेडिट, क्रेडिट लिख दिया तो भी क्रेडिट, अगर नाम नहीं दिया कुछ भी नहीं लिखा तो कैश, अगर कैश लिख दिया तब तो कैश है। तो इन ट्रांजेक्शन की जर्नलाइज कैसे करते हैं, ध्यान रखो भी। तीनों केस में एक बात तो साफ है, ये मैंने स्पष्ट किया, इन ऑल थ्री केसेस गुड्स आर कमिंग इन, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। गुड्स मीन्स स्टॉक एज अ रियल अकाउंट, क्योंकि गुड्स आ रही हैं बिजनेस में, तो परचेज अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। मैंने अभी बताया जब गुड्स बिजनेस में आती है तो गुड्स अकाउंट डेबिट की जगह हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट। जब गुड्स को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, ये मैंने बताया आपको। तो तीनों एंट्रीज में चाहे क्रेडिट या कैश किसी भी तरह से परचेज किया हो, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्योंकि गुड्स वर्थ रुपीज 5000 परचेज्ड, नाम नहीं दिया तो कैश ट्रांजेक्शन है, जब परचेज किया तो कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट में ऐसा होता है कैश जा रहा है तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। दूसरे में क्या है भी, ध्यान से देखो, जब हमने गुड्स परचेज की बिजनेस में तो गुड्स आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट क्योंकि क्रेडिट है, ये नाम दिया हुआ है, उधार है, उसको पैसे भी तो कभी वापस करने हैं, जिसको हमने पैसे देने हो वो क्या होता है, बिजनेस का क्रेडिटर, क्रेडिटर तो क्रेडिट होगा। दूसरा मैंने बताया पर्सनल अकाउंट है ये मोहन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर मतलब देने वाला भाई, मोहन वस्तुओं को देने वाला है, तो मोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब तीसरा फिर ट्रांजेक्शन क्या हुआ, मोहन का नाम भी था कैश भी था, तो ट्रांजेक्शन ये तो सेम ही होगी ना, जो ये है और ये सेम, क्योंकि दोनों कैश ट्रांजेक्शन है, समझ लगा भी। ये ध्यान रखना जो सेकंड ट्रांजेक्शन है उसमें क्या है, मोहन पर्सनल अकाउंट है, सप्लायर है क्योंकि वो गिवर है, तो मोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इन दोनों में कैश क्योंकि बिजनेस से बाहर जा रहा है, हम परचेज कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ आई ये बात, ध्यान से कंसंट्रेट करो, बड़ा इजी है। रिव्यू करते हैं थोड़ा सा, जब नाम नहीं दिया सप्लायर का तो हम उसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। सेल और परचेज में सेम होता है भाई, ध्यान रखना, ये मैंने परचेज की दिया, सेल में भी ऐसी होता है, उसको कैसे डिसाइड करते हैं, वैसे यहां परचेज है, सेल में क्या होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश आएगा, गुड्स जाएंगे, वो ट्रांजेक्शन जब आएंगे हम वो भी डाल कर देख लेंगे। पर ध्यान रखना पहचान यही है कि वो कैश है या क्रेडिट, इसको पहचानने का यही ढंग है। नेक्स्ट वन, कैश और क्रेडिट की कुछ और ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं फटाफट, टाइम भी हो रहा है। गुड सोल्ड फॉर रुपीज 5000, मैंने सेल की बात की थी, अब नाम नहीं दिया सप्लायर का, किसको सेल किए हैं भी, सप्लायर नहीं, नॉट आई एम सेइंग नॉट सप्लायर, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कस्टमर, ग्राहक का नाम नहीं दिया अभी। जब ग्राहक का नाम ही नहीं दिया जिसकी वस्तुएं सेल की हैं, तो साफ मानेंगे ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कैश कमिंग इन, एनालिसिस करते हैं, दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, कैश गुड्स नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, सेल। मैंने बताया गुड्स नहीं लिखते हम, जब बाय करते हैं तो परचेज अकाउंट, जब वही गुड्स को लोग कस्टमर्स को देते हैं तो वो सेल अकाउंट। तो एक में गुड्स आती हैं, सेल में गुड्स जाती हैं, ये ध्यान रखना होगा। गोइंग आउट तो क्रेडिट, पता ही होगा आपको, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जा रही हैं तो सेल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। नरेशन लिखने का वही ढंग, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सेकंड, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर 2000, अब गुड्स मिस्टर एक्स को सेल किए, पता लग गया होगा सेल तो है भाई, पर क्योंकि नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जो कस्टमर है उसने पैसे नहीं दिए,
उससे लेने तो है ना, बिजनेस का डेटर बन गया वो गुड्स को प्राप्त करने वाला रिसीवर है पर्सनल अकाउंट में, तो एक्स के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। सेल को तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे क्योंकि गुड्स जा रही है, वो तो सेम ट्रीटमेंट हो गया। फर्क क्या पड़ा कैश और पर्सनल अकाउंट का। थर्ड वन, मशीनरी सोल्ड वर्थ रुपीज 4000, मशीनरी है भी बिजनेस की एसेट है, रियल अकाउंट है। ये तो बड़ा सिंपल काम हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, 4000 4000, क्योंकि दोनों रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है और मशीनरी बिजनेस से बाहर जा रही है। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये आपको अजीब लगा होगा कि ऐसा मैंने पहले तो किया नहीं, यहाँ टू भी नहीं लिखा। यस आपको एक बता दूं, यहाँ बींग भी नहीं लिखा। यस एक होते हैं रूल्स, एक होते हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपराएं। ये टू लिखना, जैसे एप्लीकेशन याद होगा आज से कुछ साल पहले, टू द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल थोड़ा इधर लिखो। भाई कंप्यूटराइज जमाना आ गया, इधर क्यों लिखें, जहां से नेक्स्ट लाइन शुरू वहीं से शुरू। तो एप्लीकेशन में टू के बाद द प्रिंसिपल, नेक्स्ट लाइन में वहीं पे नीचे लिखने लगे। ऐसी ये है, ये टू लिखते थे वर्ड उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी बताने के लिए, कैश और टू यहां पे बच्चों को बताने के लिए कि सेल है भाई, क्रेडिट है ये। पर ये भी तो सोचो एक ही बात है, अगर हम डेबिट और क्रेडिट सीधा यहां लिख दें, मैंने एक देश की अकाउंटिंग सिस्टम को देख रहा था, वहां डेबिट और क्रेडिट ऐसे लिखा है, तो ये भी ठीक है ना, वो गलत है ना ये गलत है, ये परंपराएं हैं। एक और देखो, अगर मैं ये भी ना लिखूं, ना यहां लिखूं ना डेबिट ना क्रेडिट, सीधा ये लिख दूं और ट्रांजेक्शन लिख दूं मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, अब कैसे पता चलेगा कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट? तो सीधी बात है, अभी हमें परफॉर्मे में पता है ये जो कॉलम होती है ये डेबिट अमाउंट होता है, ये जो कॉलम होती है ये क्रेडिट अमाउंट होता है। अमाउंट से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा क्रेडिट। दूसरा, यहां पे बीइंग और फॉर लिखने का, ये भी एक परंपरा है। बीइंग और फॉर का मतलब क्योंकि, इसलिए ये ट्रांजेक्शन की गई। जस्ट अगर ट्रांजेक्शन ही लिख दो, उसकी डिटेल लिख दो, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, बीइंग का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बुक्स में है तो हम लिखते चले जाते हैं, हम हैं हिंदुस्तानी, हम बुरे नहीं है, हम सबसे बेटर है दुनिया में, ये ध्यान रखना। तो वक्त के साथ बुक्स भी जब कंप्यूटराइज होती चली जाएंगी तो ये भी आप देखना, ये चेंज देखने को हमें मिलेगा। तो क्लियर होगी ये बातें। फाइनली कंक्लूजन इज दैट, जब जर्नलाइज करना है तो अपने आपको शांत रखना है, ट्रांजेक्शन को पढ़ो, कीप इंटैक्ट ऑन योर विजन। विजन क्या है, अपनी आंखों में एकदम संभालो दिमागी रूप से ये वाला रूल। ये रूल जो है इक्वेशन सिस्टम के बेस पे है, या तो ऐसे सोचो, और जो ये रूल है ये ट्रेडिशनल मेथड है, तीन अकाउंट हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल। इसको फिर से देखो पीछे जाकर, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा करते रहेंगे तो जर्नल तो बहुत आसान है, ये मैदान आराम से हम जीत पाएंगे। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। नई वीडियो, कुछ नई ट्रांजेक्शन आएंगी उसको भी देखें। किसी के मन में डाउट है तो पिछली वीडियोस को देखें, जानकारी चैनल पे। मैं अभिलाषी शर्मा एक बार फिर से आपको थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन मी अगेन फॉर अ न्यू वीडियो वेरी सून।